क्राइसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है और आज एक वार्डरोब का वीडियो लेकर आए हैं। सो इसके पहले हम अभी नेरुल साइड पे हैं और इसके पहले हमने और दो वार्डरोब के वीडियोस बनाए हैं। एक जिसमें हमने स्लाइडिंग वार्डरोब देखा जिसमें एक कार्विंग वाला हैंडल था, और अगर आपने नहीं देखा जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब, मतलब मेरा फेवरेट है तो मैं ऐसे कहूँगी। और सेकंड वार्डरोब जो था जिसमें उसके जो शटर्स थे वो ट्रांसपेरेंट थे, जिसमें एल्यूमिनियम प्रोफाइल शटर्स का वो वार्डरोब था। मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड कर दूंगी, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। आज हम इस वार्डरोब की बात करने वाले हैं, हम देखेंगे कि इसको क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया है, किस तरीके से इसका प्लानिंग किया है वो भी देखेंगे। और यस, इस रूम में और एक वीडियो हमने शूट किया था जब हमने पेंट की बात की थी, अब इस रूम का पेंट भी हो चुका है तो उसके ऊपर भी एक अपडेट वाला वीडियो बनाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ये वार्डरोब अंदर से कैसा है। सबसे पहले बाहर से इसका प्लानिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 6 शटर्स हैं और ये फर्स्ट 2 शटर्स हैं, और मैं बाहर से एक्सप्लेन करूंगी फिर हम इंटरनल देख लेंगे। तो ये 2 शटर्स हैं, ये 2 शटर्स हैं और ये 2 शटर्स हैं। ये तो स्टैंडर्ड चीज़ है, और ऊपर आप देख सकते हैं एकदम डेड स्टोरेज दिया हुआ है, तो वो भी हम हमेशा देते हैं। इसमें डिफरेंट ये है इस वार्डरोब के प्लानिंग में कि इसमें कुछ ड्रॉवर्स सेंट्रल पोर्शन में ऐसे हैं जो आप बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कि वार्डरोब में जो ड्रॉवर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, तो पहले आप बाहर के शटर्स खोलते हैं और फिर अंदर ड्रॉवर्स होते हैं जो आपके इनर्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी के कपड़ों के लिए होते हैं। पर इस वार्डरोब में हमने कुछ ऐसे ड्रॉवर्स दिए हैं जो बाहर से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट के जो शटर्स हैं वो लॉकेबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर बीच का जो पोर्शन है वो स्पेसिफिकली के लिए है जो डे टू डे लगने वाली चीजें हैं जो उतनी वैल्यूएबल नहीं है, जिसको लॉक करके रखने की जरूरत है। और ऐसी चीजें जो बाहर से एक्सेस करना काफी आसान होगा, इसके लिए आप देखेंगे कि यहां पर 4 ड्रॉवर्स हमने एक के नीचे एक दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं डार्क ग्रे और वुडन लैमिनेट यहाँ पर यूज़ किया है, और ये जो पूरी रूम है इसका मैं 3D इंसर्ट कर दूंगी, आप 3D देख सकते हैं। तो इसमें पहले से ही हमने डिसाइड किया था इसका पूरा जो एक लुक है वो एक कूल टोन्स में, ग्रेश टोन्स में जा रहा था, तो इसके लिए बाहर भी आप देख सकते हैं कि ग्रे लैमिनेट यूज़ किया है, वॉल कलर भी ग्रे है, उसकी भी क्लिप डाल दूंगी, और इंटरनल लैमिनेट देखते हैं वो भी ग्रे है। अंदर का लैमिनेट अगर आप देखेंगे ये भी लाइट ग्रे है, और लाइट ग्रे फ्लैट नहीं है, ये एक फैब्रिक प्रिंट या फैब्रिक डिज़ाइन वाला लैमिनेट है, और इसमें इसके लिए आप देख सकते हैं थोड़ा टेक्सचर दिखता है, बट टेक्सचर एक्चुअली में टेक्सचर देखने जाएंगे तो ये फ्लैट है, इसमें टेक्सचर है नहीं, वो सिर्फ विजुअली दिखता है। और क्योंकि हमें पहले से पता था कि इस रूम की पूरी जो थीम है पूरा कूल टोन्स में, ग्रेज में जाने वाला है, इसके लिए सबसे पहले जो लैमिनेट सेलेक्ट होता है वो वार्डरोब के इंटरनल लैमिनेट होता है, तो इसके लिए हमने ग्रे वाला लैमिनेट सेलेक्ट किया था। अब फर्स्ट शटर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अंदर का प्लानिंग किस तरीके से किया है। सबसे पहले इसके हैंडल्स देख लेते हैं, और ये जो हैंडल्स हैं ये वुडन हैंडल्स हैं, टी कोड में बनाए हैं, और हम जब इसके लिए हैंडल्स सिलेक्ट करने गए थे तो काफ़ी सारे हैंडल्स देखने के बाद भी हमें परफेक्ट हैंडल्स जैसे हमने विजुलाइज किए थे उस तरीके से नहीं मिल रहे थे, इसके लिए ये हैंडल्स हमने बना के लिए हैं। और इसके ऊपर ब्लैक मैट पेंट किया है, आप देख सकते हैं, और इंटरनल अगर आप देखेंगे अरेंजमेंट तो हैंगिंग स्पेस जैसे हमेशा होती है, और नीचे ये जो जगह है ये सूटकेसेस रखने के लिए की हुई है। तो बहुत बार हैवी सूटकेसेस होते हैं, बैग्स होते हैं जो हम ट्रैवल करते वक्त यूज़ करते हैं, और उनको बेड के नीचे बहुत बार रखा जाता है या एकदम ही डेड स्टोरेज में रखा जाता है, पर उनको एक्सेस करना, निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस वार्डरोब में बहुत सारी जगह है और स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम इस तरीके से प्लानिंग कर पाए कि जो आपके बैग्स हैं जो बहुत हैवी होते हैं वो यहाँ पर रखने के लिए हमने प्रोविजन की है। तो एक शेल्फ हैंगिंग स्पेस और नीचे स्टोरेज के लिए जगह है, जैसे मैंने कहा बैग्स के लिए जगह है। ये जो फिटिंग है इसे लैच रॉड कहते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि चेन यूज़ की जाती थी ताकि दरवाज़ा एक पॉइंट के बाद ना खुले, और अगर दो दरवाज़ों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है तो दरवाज़ा अगर बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो लैमिनेट चिप हो जाता है, उसके जगह पर ये फिटिंग आजकल यूज़ होता है। ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं ये ऑटोलॉक के लिए है, तो एक शटर बंद होने के बाद ये फिटिंग लगाने के बाद एक दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद दूसरा दरवाजा जब आप बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दरवाजा भी लॉक हो जाता है। ये छोटे हैंडल्स भी हमने टी कोड से बना के लिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का जो पोर्शन है एक इसी लेवल पे कट हो चुका है क्योंकि नीचे हमने ड्रॉवर्स दिए हैं। तो अंदर से इसका प्लानिंग देखते हैं।
तो यहाँ पर भी ऊपर दो शेल्फ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ रखने के लिए टैग करके अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो स्पेस दी हुई है। और यहाँ पर जो हैंगिंग स्पेस दी है, तो कई बार ऐसे होता है कि ट्राउजर्स या कोई चीज़ें आप फोल्ड करके रखते हैं तो उसके लिए आपको उतनी बड़ी हैंगिंग स्पेस नहीं लगती, तो यहाँ पर इस तरीके से रॉड हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर आपने शेल्फ स्पेस दी है और बाद में अगर आपको लगता है कि आपको हैंगिंग स्पेस चाहिए, तो इस तरीके से आप रॉड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और शेल्फ भी होते हैं वो बटन्स पे होते हैं, तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से आप शेल्फ रिमूव कर सकते हैं, तो बाद में अगर लगा तो ऊपर एक हैंगिंग रॉड लगाएंगे और इतनी हाइट की ज़रूरत है तो ये और ये दोनों शेल्फ निकाले जा सकते हैं, बटन निकाले जा सकते हैं और ये पूरी जो जगह है वो हैंगिंग के लिए यूज हो सकती है। थर्ड और लास्ट वाले जो शटर्स हैं वो देखते हैं। इसका जो प्लानिंग है इसमें आप देख सकते हैं इसको वर्टिकली डिवाइड किया है, तो इसमें दो हिस्से हैं। एक जो है वो थोड़ा सा हैंगिंग वाला सेक्शन दिया है और यहाँ पे शेल्फ दिए हैं, तो यहाँ पर आप कपड़े स्टैक करके रख सकते हैं। ऊपर भी एक है, दिस इज कंटिन्यूअस इन ऑल द शटर्स। अगर आपको सेफ रखना है तो आप इस तरीके से प्रोविजन कर सकते हैं, दिस इज नॉट फॉर सेफ बट जस्ट अ थॉट। तो आप सेफ के मेजरमेंट के हिसाब से इस तरीके से खाँचा बना के ले सकते हैं। और फर्स्ट जो ड्रॉवर है आप देख सकते हैं जिसके ऊपर काज दी है। नाउ ये जो डिटेलिंग है, इसके पहले हमने जो वार्डरोब का वीडियो अपलोड किया था जिसमें वार्डरोब के शटर्स जो थे वो एल्यूमिनियम प्रोफाइल से बने हुए थे, उसमें भी आपने ये डिटेलिंग देखा है, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस डिटेल आई होप। और इसके नीचे के जो दो ड्रॉवर्स हैं वो इस तरीके से है, डीप है, और क्योंकि इंटेंशनली हम चाहते थे इसको डीप बनाना, अगर इसको तीन में डिवाइड करते तो काफ़ी छोटे हो जाते, तो इसके लिए हमने इसको दो डीप ड्रॉवर्स बनाए हैं। अब बात करते हैं ऊपर के स्टोरेज की। ऊपर का जो लिफ्ट अप है उसके लिए एल्यूमिनियम जे प्रोफाइल यूज़ किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन में साइड से इस तरीके से वो दिखता है, और अंदर पंप लगाए हुए हैं तो आप उसको आसानी से खोल सकते हैं। और क्योंकि हम इन्हें शटर से मैच करना चाहते थे इसके लिए आप देखेंगे तो शटर के बीच में का जो जॉइंट है वही हमने आगे ऊपर कंटिन्यू किया है, तो इट लुक्स लाइक दो अलग शटर है बट एक्चुअली एक ही बड़ा लिफ्टअप है। और ये जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल है इसको ब्लैक पाउडर कोटिंग किया है, ब्लैक मैट पाउडर कोटिंग, तो इस हैंडल्स को भी मैच होता है और कंप्लीट अगर एक लुक देखेंगे तो कोहेसिव अच्छा दिखता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी है। उसी के साथ ये वीडियो किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो खुद के घर का रिनोवेशन करने वाले हैं। अगर किसी ने रिनोवेशन स्टार्ट किया है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो फिर भी उनको यूज़फुल होगा तो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।